यदि आप भी श्रीमाली जी से मिलना चाहते हैं या टेलीफोन पर बात कर अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो संपर्क करें। परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625 9829026625, दिल्ली 6542-0685 एवं 6454-4625, मुंबई 9324-272446 एवं 9322377660, नागपुर 9371073487 एवं 9371161492 और नासिक 9370590536। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर जो ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये 33 वर्षीय एक महिला की जन्म कुंडली है जिसे हमें धनबाद झारखंड से भेजा गया है। 6 वर्ष विवाह को हो गए, पति पत्नी में कोई संबंध में तकलीफ नहीं है और सब कुछ सही होते हुए भी 5 अबॉर्शन अभी तक हो चुके हैं, मिसकैरेज और अबॉर्शन यानी गर्भपात, लेकिन अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हो पाई। ऐसा क्या होता है कि 3rd महीने और 4th महीने के बीच में ही हृदय गति रुक जाने, हृदय का डेवलपमेंट नहीं हो पाने के कारण डॉक्टर खुद कह देते हैं कि आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए और कई बार मिसकैरेज हो गया। अब ये बहुत डिप्रेशन में है, पढ़ी लिखी है बहुत, MA BEd किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छी जॉब भी कर रही थी, जॉब भी छोड़ दी स्कूल में, लेकिन अब क्या किया जाए। पति पेशे से इंजीनियर है, बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहीं पर ही धनबाद में, लेकिन इनका यह मानना है कि मेरी जो अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं होने के पीछे कारण इनको जो लगता है वो है इनकी सास। इनका मानना है कि मेरी सास हमारे दोनों की शादी के खिलाफ थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है और उन्होंने कोई लड़की पसंद कर रखी थी लेकिन उनका खुद का बेटा यानी इनके पति वो नहीं माने, जिस कारण सासू माँ को ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई वशीकरण कर रखा है अपने पति पर, जादू टोना करके कुछ इस प्रकार से करके इन्होंने विवाह कर लिया है। दूसरी बात, इनको ऐसा लगता है कि उनकी बद्दुआ हमारे शायद लग गई है, इसी कारण हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है या और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी सास नहीं चाहती है। ये तो गई पहली बात इनकी। ये कहती है कि हमें अगर बच्चा नहीं होने वाला था आप स्पष्ट रूप से समझा दीजिए ताकि हम कोई अडॉप्शन की तरफ जाएं, यानी बच्चा गोद लेने की तरफ ध्यान दें। इनका ये विशेष यही प्रश्न है और कोई प्रश्न है नहीं। देखते हैं जन्म कुंडली आखिर क्या कहती है। पहली तो मैं आपकी इस बात में 1% भी विश्वास नहीं रखता कि आपकी सासू माँ के कुछ जादू टोना टोटका करने से या उनकी बदुआ से आपको बच्चा ही ना हो। अगर ऐसा होता तो हम यहां बैठे बैठे सबके जादू टोना करते रहते और किसी का बच्चा होता ही नहीं। किसी का व्यापार नहीं चलता है, लगता है कि हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया है। किसी का अगर कोई नौकरी छूट जाती है तो लगता है हमारी नौकरी किसी ने छुड़वा दी है। ऐसा नहीं है श्रीमान। अगर इसी भी प्रकार का होता तो इतने पॉलिटिशियन बैठे हैं, सब अपने अपने पास तांत्रिक रखते, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपॉइंट दूसरे एम्प्लॉयज को करते, उससे पहले तांत्रिक लोगों को अपॉइंट करते कि दूसरी जो कंपनीज इनको बर्बाद कर दिया जाए। एक दुकानदार अपने पास जो अच्छी दुकान चल रही वो अपने पास तांत्रिक हमेशा रखता कि इसकी दुकान पर बंद करवा दीजिए पड़ोसी की। ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से होता तो फिर लोग किस्मत पे, भाग्य पे, प्रारब्ध पे, मेहनत पर, आशीष पर और आशीर्वाद पर विश्वास ही नहीं करते। ये नहीं है कि आपकी सासू, और मुझे नहीं लगता है कि आपकी कुंडली देखकर तो बता ही दूंगा कि कोई माँ ऐसा काम करेगी कि उसके बेटे का वंश ही नहीं बढ़े, उस बेटे का खुद के बच्चा नहीं हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी गलत फहमियां हो सकती हैं। जैसा उनको गलत फहमी थी कि आपने कोई वशीकरण प्रयोग किया, जादू टोना जो आपने खुद नहीं कहा है, कि उस वजह से आपने विवाह कर लिया, आपने प्रेम किया, हो सकता है उनको वो प्रेम समझ में नहीं आया, उनकी अपनी मानसिकता रही होगी। लेकिन हमें अपनी सासू माँ को इतना प्रेम देना चाहिए कि वो ये भूल जाए कि मैं गलत थी और हो सकता था कि मैं अगर उससे शादी कर अपने बेटे की करवाती तो वो मुझे इतना प्रेम नहीं देती। लेकिन आपने भी कर्म भी वही किया कि आपने अपनी सासू माँ से बात तक नहीं करती, ये सारे कर्म करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जादू टोना किया। घर में वहम और नेगेटिविटी का वातावरण, साथ में गलतफहमी के शिकार, इस वजह से आप इतना प्रेम दीजिए कि वो ये मानने को तैयार हो जाए कि नहीं, इससे बढ़िया बहू मुझे नहीं मिल सकती थी। ये कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है तो ये करके देखिए, आपको दिल को इतना सुकून मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतनी अच्छी आपको नींद आएगी
कि हाँ अब मेरी जिंदगी ठीक हो रही है, आज नहीं कल बच्चा हो जाएगा, देखते हैं कुंडली क्या कहती है। तुला लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के मालिक बनते हैं शुक्र जो संतान के भाव में ही विराजमान है और वो भी उच्चारोही, फिर केतु के साथ। कुछ देर पहले भी मैं टाइम पहले कुंडली बताई थी जिसमें शुक्र केतु युति थी, केत छुड़ावे खेत, समझने की कोशिश जरूर करेगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। फिर देखिए जिस भाव का आपको परिणाम चाहिए उसके आस पड़ोस क्या कर रहे हैं और उस पर किसकी दृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए शुक्र केतु की युति, पढ़ाई आपकी पूरी हुई, संतान आपके गर्भ में जरूर आई। देखिए संतान और शिक्षा दोनों का घर एक ही है पंचम स्थान, यानी आपने पढ़ाई पूरी की, आपकी नौकरी लग गई, पर आप अभी नौकरी नहीं कर रही हैं, आप नौकरी छोड़ के बैठी और टेंशन डिप्रेशन, पढ़ाई से लाभ नहीं मिल पाया, क्लियर। उसी प्रकार आपका विवाह हुआ और आपके गर्भ में बच्चा जरूर आया लेकिन बच्चा पूरा नहीं हुआ, जिस तरीके से आपने नौकरी छोड़ी शिक्षा से आपको पूरा लाभ नहीं मिला, उसी प्रकार से गर्भ में बच्चा आने के बाद वो अबॉर्शन मिसकैरेज में तब्दील हो जाता है। कैसे, केत छुड़ावे खेत, वीक पॉइंट। फिर पड़ोस में क्या है, पड़ोस में सूर्य मंगल और बुध तीनों ही बहुत बढ़िया पोजिशन में विराजमान है, लेकिन यहां पर बुध नीच राशि के और बुध मंगल की युति रोग भाव में, तो मंगल जब भी छठे घर में विराजमान हो और वो भी किसी नीच ग्रह के साथ हो या नीच ग्रह देखता है तो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के बच्चा नहीं हो सकता, यानी IVF का सहारा, सैरोगेसी मदर, इस प्रकार के सहारा आपको हो सकता है लेना पड़े इस कुंडली के अनुसार, जिसके चांसेस ज्यादा बनते हैं। फिर देखिए राहु शनि का पितृ दोष बनता है, ये दोष की दृष्टि भी पंचम स्थान पे, इस दोष का आपके माता पिता को, पिता और आप स्वयं बैठकर या आपके भाई और आप बैठकर 3 दिन की एक पूजा होती है वो करवा के इसे समाप्त करना चाहिए था, जो शायद अगर आपके माता पिता ने किया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो उसे तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। तो वापस सुन लीजिए, 3 दिन की पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी, आमतौर पर महिलाओं की ये पूजा नहीं होती, इसलिए आप अपने भाई या पिताजी के साथ बैठकर ही इसे पूरा कर सकते हैं। कोशिश करें कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में ये संपन्न, अगर नहीं हो सकता है तो आप किसी भी नदी या तट के किनारे पर योग्य ब्राह्मण से, जो कि आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, सब मैटेरियलिस्टिक जमाना है, प्रोफेशनल लोग हो चुके हैं, पुराने पंडित जी मिल जाए जो वाकई में जानते हैं, तो उन जानकारी लेकर ये 3 दिन की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पंडित जी हैं और कर्मकांड से आप अपना गुजारा चलाते हैं, कर्मकांड का पवित्र कर्म आप करते हैं, तो आपको हमेशा अपने यजमान, अपने जो भी आपके शिष्य हैं, उनका पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करवाएं, कोई भी विधि हो उसके पूरे विधान से करवाना चाहिए, चाहे आपका क्लाइंट कितना ही गुस्सा हो रहा हो, पंडित जी जल्दी करिए, उसकी बात पर आपको यकीन नहीं करके आपको इस पवित्र कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा हम लोगों को भी भुगतना पड़ता अगर हम सही ढंग से विधि नहीं करवाते, याद रखिएगा ये पितृदोष। फिर पंचम स्थान में केतु है, तो आप तत्काल ये काम करिए कि हर महीने का जो पहला मंगलवार आता है उस मंगलवार में आप हनुमान जी या देवी मां के मंदिर में जाकर भगवे रंग का एक झंडा जो होता है वो उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। याद रखिएगा हर मंगलवार को, महीने का जो पहला मंगलवार होता है, उधर दुर्गा मां या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये ध्वजा चढ़ाएं, तब तक जब तक ये आपको विजय बच्चे में नहीं मिल पाती है, क्योंकि पंचम स्थान केतु है, केतु ध्वजा का प्रतीक है। पति पत्नी दोनों मिलकर एक चांदी का संतान गोपाल यंत्र बनता है, जिसे घर के मंदिर में आप स्थापित करिए और पति पत्नी दोनों संकल्प लेकर, दोनों इसमें एक का कर्म नहीं है, चाहे 1.25 लाख सवा लाख संतान गोपाल का जो मंत्र है गोपाल सहस्त्रनाम, उसको भी साथ में करिए और इन दोनों पाठ को करके 1.25 लाख जो है संतान गोपाल के मंत्र आप जरूर पूरे करिए। अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो आप हमारे जोधपुर कार्यालय में फोन करके ईमेल से या वेबसाइट से ईमेल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या टेलीफोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि जैसे बृहस्पति जून में 9th हाउस में आ जाएंगे, पंचम स्थान देखेंगे, संतान उत्पत्ति तय, अब मिसकैरेज ऑपरेशन अबॉर्शन होने नहीं देंगे, अच्छी निष्ठा ईमानदारी से मन विचार को अच्छा करके पॉजिटिव सोच के ये प्रयोग करने हैं। तो दर्शकों ये था जन्म कुंडलिका का विश्लेषण कि एक बहन जी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी कुछ मानसिकता थी उसको ठीक किया गया है। अगली बार ऐसे ही व्यक्ति की जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए दर्शकों इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या आपको गुरुदेव सुरेश हिमानी जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या फिर सुरेश हिमानी जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी लॉग ऑन करें www.grahonkakhel.co.in। यदि आप भी श्रीमाली जी से मिलना चाहते हैं या टेलीफोन पर बात कर अपनी समस्याओं का
समाधान पाना चाहते हैं तो संपर्क करें। परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625 9829026625, दिल्ली 6542068 एवं 6454, मुंबई 9324272446 एवं 9322377660, नागपुर 9371073487 एवं 9371161492 और नासिक 9370590536।